दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ले रहा हूँ 4590 फिट का प्लॉट है दोस्तों। 45 फिट इसका फ्रंट है और 90 फिट इसकी गहराई है दोस्तों। ये हमारा मेन रोड है और दोस्तों ये हमारा 4050 स्क्वायर फिट एरिया है। 450 गज का प्लॉट है, 450 गज का प्लॉट है दोस्तों। और दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें हमने क्या क्या डिजाइन किया है दोस्तों। इसमें हमने 3 बेडरूम डिजाइन किए हैं, 1 लॉबी डिजाइन की है, ओपन किचन डिजाइन की है जो बड़ी है, स्टेयरकेस डिजाइन किया है और दोस्तों 4 टॉयलेट डिजाइन किए हैं, 2 कार पार्किंग के लिए जगह है दोस्तों और काफ़ी बड़ा लॉन भी हमने इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको 3 BHK डिजाइन किया है। अगर दोस्तों आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है, आप इस पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, बने रहिएगा। ये दोस्तों हमारा मेन गेट रहेगा जो कि 12 फिट का रहेगा और जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये हमारी कार पार्किंग एरिया आएगा जिसमें ये हमारी कार खड़ी हुई और ये हमारा पोर्च एरिया रहेगा। यहाँ से ये जो पोजीशन दोस्तों ये 18 फिट 9 इंच ऐसे रहेगा और 16 फिट ऐसे। ये हमारी कार खड़ी करने के लिए जगह है और इधर भी कार खड़ी हो जाएगी, इधर भी दो गाड़ी आ सकती है दोस्तों। और दोस्तों ये हमने काफ़ी बड़ा लॉन भी दिया हुआ है जो कि 18x30 फिट का है, 18 फिट ऐसे और 30 फिट ऐसे। ये हमने लॉन दे रखा है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स वगैरह दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमने 3 तरफ से सेटबैक जुड़ा हुआ है, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है और सामने से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा स्टेयरकेस आता है जो कि 1st फ्लोर के लिए जाएगा, यहाँ से हम 1st फ्लोर के लिए चढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हम यहाँ से 1st फ्लोर के लिए चढ़ेंगे जो कि हमारी दूसरी मंजिल होगी, यहाँ से हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे जो कि हमने 3.5 फिट का दे रखा है दोस्तों। ये हमने 3.5 फिट का दे रखा है, ये 3.5 फिट का, इधर से भी 3.5 तरीके से हमने इसको डिजाइन कर रखा है। और दोस्तों इसमें 2 एंट्री रहेंगी, एक एंट्री हमारी यहाँ बरामदे से रहेगी और एक एंट्री हमारी है पैसेज से। पैसेज से जो एंट्री रहेगी वो लॉबी में रहेगी दोस्तों और यहाँ से बरामदे से जो एंट्री रहेगी वो एक ड्रॉइंग रूम में होगी दोस्तों और एक एंट्रेंस। तो दोस्तों चलते हैं हम एंट्रेंस फ्लोर में। तो ये हमारी एंट्रेंस फ्लोर आती है जो कि 16x6 इंच ऐसे और 7x ऐसे। ये हमारी एंट्रेंस फ्लोर रहेगी जिसमें हम एंटर करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों और एंट्रेंस फ्लोर से ही हमारी ये हमारी किचन रहेगी क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी डिजाइन कर रखी है, 12x9 इंच ऐसे और 10x3 इंच ऐसे। ये दोस्तों हमने 8 बना रखी है। और दोस्तों ये हमारा किचन का जो वेंटिलेशन रहेगा वो पार्किंग की तरफ रहेगा इधर। और दोस्तों ये हमारी गैस रखी हुई है, ये हमारा फ्रिज लगा हुआ है। और दोस्तों इधर हमने डबल सिंक दे रखी है, आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा, अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज है दोस्तों 14x14 फिट का ड्राइंग रूम रहेगा जिसमें हमने 2 सोफा 3 सीटर डाल रखे हैं और दोस्तों 1 2 सीटर डाल रखा है। और सामने हमने ये टीवी लगाया हुआ है, इसकी 2 एंट्री हैं दोस्तों, एक एंट्रेंस फ्लोर से है और एक बाहर बरामदे से है। तो दोस्तों इसका हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है जो आप देख रहे होंगे, ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा जो कि 4x6 इंच ऐसे और 5x3 इंच है। इस तरीके से हमने इस कॉमन टॉयलेट को डिजाइन किया जिसमें हमारी ये सीट लगी हुई है और वॉश बेसिन लगा हुआ है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो हमने वॉश बेसिन यहाँ पे भी दे रखा है एंट्रेंस फ्लोर में जो कि खाना खाने के बाद हम यहाँ हाथ धो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको वॉश बेसिन को डिजाइन किया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, तो ये हमारा लॉबी एरिया आता है जो कि लॉबी में एंटर करते ही हमारे 2 एंट्री रहेंगी, एक हमारी एंट्रेंस फ्लोर से रहेगी और एक हमारी तो लॉबी में भी हमने एक वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो लगा रखी है जो कि 5.9 वाइड का जो हमने पैसेज छोड़ रखा है, इधर इसका वेंटिलेशन होगा। इसमें हमने सोफा डाल रखा है 2 सीटर और दोस्तों डाइनिंग टेबल भी डली हुई है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल डली हुई है। और सामने हमने एक इस वॉल पर टीवी यूनिट लगा रखा है जिस पर ये हमारी टीवी रहेगी। और दोस्तों इसका साइज है 18x9 इंच ऐसे और 18x8। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस लॉबी को डिजाइन किया है। अब आप चलते हैं बेडरूम में, ये हमारे 3 बेडरूम रहेंगे, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम दोस्तों ये है। दोस्तों ये हमारा बेडरूम है, ये 12 फिट ऐसे है दोस्तों और 19 फिट ऐसे है जो कि काफ़ी बड़ा बेडरूम हमने इसको डिजाइन कर रखा है।
और दोस्तों ये हमारे बेड डला हुआ है, सामने ये ऑप्टोमोन हमने रख रखा है जो सेटिंग बोलते हैं हम, और ये सामने टीवी लगा हुआ है। और दोस्तों ये हमारे वार्डरोब बनी हुई है और ये हमने स्टडी टेबल बनाई है। और इसके साथ ही हमने बेडरूम के साथ हमने ये टॉयलेट दिया हुआ है जो कि 8x8 का है दोस्तों। ये हमारा वॉश बेसिन एरिया रहेगा, ये हमारा शावर रहेगा और ये हमारी सीट लगी हुई है दोस्तों। और इस टॉयलेट का वेंटिलेशन हमने पैसेज की तरफ कर रखा है। और दोस्तों इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमारा पैसेज की तरफ हो रहा है, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी इसकी। और दोस्तों अब हम चलते हैं इस बेडरूम में। दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा जो कि है ना 14 फीट ऐसे है दोस्तों और 23 फीट ऐसे, जो कि हमने काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया है जिसमें ये हमारा बेड डला हुआ है और ये 3 सीटर सोफा डला हुआ है और ये वार्डरोब बनी हुई है। दोस्तों ये हमारा सामने टीवी यूनिट लगा हुआ है, ये एसी चली हुई है और इसमें हमने ड्रेस टॉयलेट अटैच डिज़ाइन किया है। जैसे ही हम ड्रेस में एंटर करेंगे तो दोस्तों ये हमारा ड्रेस एरिया है जिसमें ये हमारी वार्डरोब बनी हुई है जो कि 6 फीट ऐसे है दोस्तों, 9 फीट 3 इंच ऐसे है। और ड्रेस से ही हमारी ये टॉयलेट रहेगी जो कि 6 फीट ऐसे रहेगी और 9 फीट ऐसे, जिसमें ये हमारा शावर एरिया है दोस्तों और ये WC है और ये वॉशरूम लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मास्टर बेडरूम को डिज़ाइन किया है और इस मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन दोस्तों हमने ये ओपन में दे रखा है, यहाँ से हमारी ये विंडो रहेगी जो कि ओपन से वेंटिलेशन के लिए रहेगी मास्टर बेडरूम के लिए। और दोस्तों अब हम चलते हैं ये आगे। तो ये हमारा 14x14 का एक बेडरूम और आता है जो कि हमने पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड रहेगा और इसका वेंटिलेशन हमने पैसेज की तरफ कर रखा है इधर से। और दोस्तों इसमें भी हमने ये टॉयलेट अटैच कर रखा है। और दोस्तों ये हमारा बेड डला हुआ है, ये टीवी चली हुई है और ये टीवी यूनिट है और ये हमारी वार्डरोब बनी हुई है और ये स्टडी टेबल हमने अटैच कर रखा है। और दोस्तों ये हम टॉयलेट में चलते हैं तो ये हमारा 9x5 फीट का ये टॉयलेट आता है दोस्तों, जिसमें हमने ये साबर दे रखा है, ये वॉश बेसिन है दोस्तों और ये हमारी WC है तो सीट रखी हुई है। और इसका वेंटिलेशन दोस्तों ओपन की तरफ हो रहा है जो कि हमने इस तरीके से इस टॉयलेट को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्लॉट को डिज़ाइन किया है जो कि 50x90 फीट का प्लॉट था, इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया था आप देख रहे होंगे। इसमें हमने 3BHK डिज़ाइन किया है। अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और इसी तरीके के अच्छे प्लान आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।